अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ अंजुम्स किचन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आलू पूरी की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं और किसी भी मौसम में बनाएं ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पूरी के लिए आटा लगा लेंगे। तो एक बोल में मैंने डाल दिया है 2 कप गेहूं का आटा और उसी के साथ डाल दिया नमक। 1 टेबलस्पून डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को पहले हाथों पे इस तरह से रखेंगे और क्रश कर देंगे और इसे भी आटे में डाल देंगे। अब हाथों से अच्छी तरीके से नमक और अजवाइन को आटे में मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसका एक टाइट सा डो लगा लेंगे। जब भी हम पूरी का डो लगाते हैं तो हमें उसका डो टाइट लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूरी का डो लगा दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और रेस्ट होने देंगे। तब तक हम बना लेते हैं आलू की रसीली सब्जी। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1/3 कप ऑयल और तेल गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जीरे और साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। 3 हरी मिर्च हैं जिन्हें मैंने बीच में से 2 पार्ट में कट कर लिया है। इन दोनों को अच्छे से तड़क जाने देंगे और उसके बाद हम इसमें मिला देंगे हींग 1 पिंच। हींग से किसी भी दाल या सब्जी का बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है और हींग हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो हमें हींग का इस्तेमाल करना चाहिए सब्जियां बनाते टाइम। अब इसमें डाल देंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और टमाटर को जल्दी से गलाने के लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, साथ में डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और 1 से 1.5 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 2 मिनट हो गया है मुझे मसालों को भूनते हुए और बढ़िया से खुशबू आने लगी है मसालों में से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि है आलू। आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे, वज़न में ये है 250 ग्राम और इनके 2-2 पार्ट कट कर लिए हैं और 1 आलू को मैंने इस तरह से मैश करके रख लिया है। 1 आलू को मैंने मैश क्यों किया है इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। आलू को मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हमें आलू को भूनना है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लिड से कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद लिड ओपन करेंगे तो आलू अच्छी तरीके से भुन गए हैं, मसाला भी अच्छी तरीके से कोट हो गया है सारे आलू के ऊपर। तो अब हम इसे रसीला बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप पानी ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से आलू की सब्जी का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लिड से कवर कर देंगे और इसमें एक बॉयल आ जाने देंगे। जैसे ही सब्जी में बॉयल आ जाता है हम लिड को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आया है। तो अब मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल भी ऐसा पानी अलग और आलू अलग नहीं हो रहा है। इसकी वजह है कि हमने 1 आलू मैश करके इसमें ऐड किया था। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा इस आलू की सब्ज़ी को। अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे लिड से कवर करके पूरी का डो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो अब हम थोड़े से पंच लगा लेंगे इस डो में। इस तरह से डो में से छोटा छोटा सा पोर्शन लेके उसके पेड़े बना लेंगे पूरी बनाने के लिए। या फिर एक इससे भी आसान तरीका है जिससे आपके पेड़े जो हैं वो बिल्कुल एक से बनके तैयार होंगे। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा पोर्शन ले लिया है डो में से और उसको सरफेस पे रख के इस तरह से रोल कर दिया है। अब इस रोल को हम इक्वल पार्ट में इस तरह से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो पेड़े हैं वो भी सेम साइज के रहेंगे और जो आपकी पूरियाँ हैं वो सेम साइज की मिलेंगी और उनकी मोटाई भी एक सी रहेगी। तो यहाँ पर मेरे सारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब इन सारे पेड़ों को हम पूरी का शेप दे देंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी में ऑयल लेके 1 पेड़ा उसमें डिप करेंगे और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से ये रोल होके पूरी बन गई है। ऑयल का इस्तेमाल हमें बार बार नहीं करना है। एक बार हम ऑयल सरफेस पे लगा देंगे, उसके बाद हम 2 से 3 पूरियां एक बार में बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पूरियां बेल के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा डाल के ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे और उसके बाद पूरी डाल देंगे। अगर आपके ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट होगा तो आटा जो है वो एकदम से ऊपर आ जाएगा फूल के और इसी तरह से पूरी भी जब डालेंगे तो वो देखिए
फूल कर ऊपर आ चुकी है, गोलू मटोलू सी हो गई है। बस इसी तरह से हम सारी पूरियां को फ्राई कर लेंगे। बस हमें ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रखना होगा। तो अगर आपका ऑयल परफेक्ट गर्म हुआ है तो आप एक साथ इस तरह से दो पूरियां भी फ्राई कर सकते हैं, इससे आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर सारी पूरियां फ्राई होकर तैयार हो गई हैं, तो अब हम आलू की सब्जी और पूरी को सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो आप देख सकते हैं कि आलू की सब्जी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस आसान सी रेसिपी को, और इसकी ग्रेवी भी आप चेक करके देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बन के तैयार हुई है आलू की रसीली वाली सब्जी। और पूरियाँ तो बिल्कुल फूली फूली बन के तैयार हुई हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं अजवाइन वाली पूरियाँ। आपने अगर ट्राई नहीं किया हो ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। आप इसे लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, या फिर आपके घर पर बहुत अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो आप डिनर या लंच के लिए ये रेसिपी सर्व कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। अल्लाह हाफिज़।